राजधानी लखनऊ में रहने वाले वो शख्स किसी काम के लिए घर से बाहर निकले थे, लेकिन दिन ढलने के बावजूद वो वापस नहीं आए। धीरे धीरे रात हो गई, लिहाजा परिवार ने उन्हें फोन किया, लेकिन उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ निकला। फोन स्विच ऑफ मिलते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। दो दिन का वक्त गुजर चुका है, लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं चल सका, जिससे परिवार में मातम पसरा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स का नाम अब्दुल हफीज है। लखनऊ में थाना हसनगंज की हरी मस्जिद के पास रहने वाले अब्दुल हफीज बैग बनाने का काम करते थे। परिवार के मुताबिक 27 सितंबर को शाम करीब 4 बजे अब्दुल हफीज लखनऊ के बंथरा थाना इलाके में रहने वाले किसी दोस्त से रुपए वापस लेने गए थे। वक्त गुजरता गया और रात हो गई, लेकिन अब्दुल हफीज घर वापस नहीं लौटे, लिहाजा पत्नी ने उन्हें कॉल किया। पत्नी के मुताबिक उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ मिला। वहीं अब्दुल हफीज की पत्नी का साफ कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही इससे पहले कभी अब्दुल इस तरह से कहीं गए हैं। मेरे हस्बैंड कल से मिसिंग है, कल 4 बजे घर से गए थे, कह रहे थे हमें पेमेंट लेने जा रहे हैं, मौसी के आगे बनता है वहाँ पर 15 किलोमीटर, और कल से अभी तक के कोई नहीं, फोटो टी वी पर सब देख लिया, कैमरे सब उनका कुछ भी पता नहीं जी। कल मतलब संतुष्ट तो है उनसे बहुत, हमें सहारा मतलब है सहारा कि वो मेरे लिए कुछ करें आगे। अभी आज 24 घंटे हो चुके हैं, कल से हम लोग बहुत परेशान हैं, वो मेरे लिए कुछ ऐसा मतलब करें आगे, कदम उठाएं कि हमें कल से इतना टाइम हो गया, हम लोग पूरा घर, बच्चे मेरे 4 बच्चे हैं, सब परेशान हैं। कल पूरी रात नहीं सोए, आज पूरा दिन हो गया पढ़ाई करते करते उनके लिए, कि किसी तरह की मतलब जो भी जो उनसे मुमकिन हो सके वो मेरी हेल्प करें। अब्दुल के परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटियां और 1 बेटा है। जब से अब्दुल हफीज लापता हुए हैं, तभी से उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। परिवार के मुताबिक पिता के लापता होने के बाद से घर में चूल्हा तक नहीं जला है। वहीं अब्दुल की बुजुर्ग माँ की आंखें उनके इंतजार में पथराने लगी है। कुछ नहीं है, ठीक थे, बहुत सही सब चल रहा था, कोई ऐसी कोई टेंशन वाली हमारे जाहिर में तो कोई बात नहीं थी। और कल उन्होंने सब पूरी बात भी हमसे बताई, जाते जाने से पहले यही बताया कि हम मेट्रो से जाएंगे और वहाँ उतरेंगे और मौसी पे, वहाँ से फिर हम बस से जाएंगे जहाँ जाना है। अब हो सकता है थोड़ी देर हो जाए हमको, 11:30 बज जाए रात का, गाड़ी हम नहीं लिए जा रहे, बस इतनी बात हुई थी कल दोपहर में। पता नहीं कल क्या कि गए थे, उसके बाद से आया नहीं, कोई फ़ोन भी नहीं आया, स्विच ऑफ है फ़ोन भी नहीं, इससे पहले ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा। तमाम कोशिशों के बावजूद परिवार को जब अब्दुल हफीज का कुछ पता नहीं चल सका, तो मामले की जानकारी हसनगंज थाने को दी गई। पुलिस ने भी संजीदगी दिखाते हुए मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। कल किसी का फोन आया 4 बजे कि हम बाहर खड़े, आ जाओ, बाहर गए थे देखा उनको पैदल जाते हुए, तो एक दोस्त ने भी कहा तुम किधर जा रहे हो, को पैदल कर, हम पैदल आगे जाएंगे, आगे से मेट्रो पे जाएंगे, आईटी से मेट्रो पे, और वहाँ पर वो दिखे एक आदमी को और पैदल जाते हुए, लेकिन मेट्रो के कैमरे में नहीं है। जब पुलिस ने वहाँ पर देखा कोशिश करने के बाद, ना अमौसी के एयरपोर्ट पर देखे गए निकलने के लिए, और उनका स्विच ऑफ हो गया आलमबाग के पास में, फिर कोई कॉल भी नहीं आ रही। जब से सभी लोग परेशान हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं यहाँ पर आए हुए हैं, और बच्चे भी परेशान हैं ज़्यादा, वाय परेशान है बहुत ज़्यादा। अच्छा काम कर रही है पुलिस, और आगे उम्मीद यही कि जल्द से जल्द वो काम हमारा कर देंगे। और उन्हें ये भी बात कही कल ट्रेस करेंगे उसका मोबाइल, और उसका नंबर मिल जाएगा जिसने कॉल की थी, उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी है, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर पुलिस अब्दुल हफीज की कब तक तलाश कर पाती है। वहीं दूसरी तरफ परिवार को अनहोनी का डर सताया जा रहा है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक या साइकिल फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।